नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लूँ मैं तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। UPSSSC जो पहले लोअर PCS कहलाता था, इसके एग्ज़ाम पैटर्न्स में और थोड़ी सी चीज़ें ही बताऊँगा कि इसकी प्रिपरेशन जो है किसके द्वारा और कैसे की जाएगी, आपकी प्रिपरेशन और कैसे चीज़ होगी। आपको बता दूँ कि हमारे जो टीचर हमारी फैकल्टी हैं वो हैं मिसेस कुमुद हैं, ठीक है। इनको आप चेक कर सकते हैं, 2015 लोअर PCS में फोर्थ रैंक इन्होंने हासिल की थी अपने वुमेन कैटेगरी में, और इनको इनका सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट जेलर के लिए। बहुत बढ़िया 3 स्टार असिस्टेंट जेलर जो पोस्ट होती है। तो ये आपको पूरी प्रिपरेशंस करवाएंगी और पूरा अच्छे से आपको मटेरियल स्टेटमेंट टेस्ट ही सब कुछ प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। आप इनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए जानना, क्योंकि देखिए सबसे अच्छी जरूरी होता है कि जो क्रैक कर चुका होता है और एक अच्छे रैंक में पहुंच चुका होता है वहाँ तैयारी करने का अलग ही मजा होता है। 2015 का पैटर्न आपको बताता हूँ, उसका नाम था पहले लोअर PCS। इसे PT में 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 300 मार्क्स का होता था, नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती थी। अब मेंस होता था, GS पेपर, हिंदी, ऐसे सब मिला के आता था 400 नंबर का, और उसके बाद होता था इंटरव्यू। लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, पहली बात ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ क्या ऐड है, नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि हो रही है। तो जब इंटरव्यू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एग्जाम निकालने के लिए जरूर 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 पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए। लगा दीजिए खुद को और 100% ये मान के चलिए आपका इसमें सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सबसे पहले इसका सिलेबस एक पता होना चाहिए। तो सिलेबस मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, सिलेबस क्या है। सिलेबस में इसके होगा जो पहला GS लिखते जाइए या समझते हैं, GS होगा। GS ये जिसे हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, मैथ्स होगी, एग्रीकल्चर वगैरह, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश थोड़ा एग्रीकल्चर को ध्यान देता है और इसमें एग्रीकल्चर की भी एक पोस्ट है तो एग्रीकल्चर पूछेगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा आपको इसमें बात करनी है हमारी पॉलिटी वगैरह, थोड़ी सी मैथ्स हमारी आएगी, रीजनिंग आएगी, ये सब होगा हमारा PT का। और 150 मार्क्स का जो PT होगा, जो 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसमें मान के चलिए सिक्योर, इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो 100% आप अगर 100 टच कर गए, याद रखिएगा इस बार 100 टच कर गए आप, 100 आपका सिलेक्शन तय है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप ज़्यादा फालतू मत करिएगा, 100 कर गए इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो 150 में आप 100, 110-15 खेल सकते हैं, 10-15 क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा, लेकिन आप ज़्यादा करने की आप कोशिश मत करना। दूसरी चीज़ है इसका जो मेंस पेपर होगा, मेंस पेपर में भी लगभग मुझे लगता है सेम पैटर्न रखेगा, क्योंकि GS का पेपर एक रखेगा हिंदी, और हिंदी में वगैरह जानते हो तो ऐसे वगैरह निबंध वगैरह पूछता है ताकि आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। इसके बाद आपका जारी होती है मेरिट लिस्ट, जारी हो जाएगी सीधे बिना इंटरव्यू के। क्योंकि आता कि बीच में जब इंटरव्यू होता था तो बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ, ऐसे कुछ चीज़ें सुनने में आती थी, तो इसलिए इंटरव्यू का ही से प्रावधान खत्म कर दिया गया है। मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको अगर चाहते हैं आप कि आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें और इसको निकालें, तो आपको ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना। और इसकी प्रिपरेशंस के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है 7827282211 पर, इस नंबर पर आप हर हाल में व्हाट्सएप कर लें, इसको सेव कर लें, इस नंबर को जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है टेस्ट मटेरियल, इसके स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ों की, और साथ ही साथ आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन की, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा UPSSC, ठीक है। तो आपको तुरंत कॉल किया जाएगा या व्हाट्सअप किया जाएगा और आपको सारा सुझाव दिया जाएगा जो भी इस पे होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत बेहतरीन गाइडेंस उपलब्ध कराया जाएगा कुमुद मैम के द्वारा, जो कि असिस्टेंट जेलर के पद पर उन्होंने उनका सिलेक्शन हुआ 2015 लोअर PCS से, मतलब आपके जो जिसे आप UPSSC कहते हैं इस पे। तो आपको एक सिलेक्टेड पर्सन से पढ़ने को जब मिलता है बात, और तो और भी एक मज़ा आ जाता है कि यहाँ चूज करना है, वो भी एक जेल पुलिस डिपार्टमेंट को जा करके उन्होंने और अच्छा महारत हासिल की। तो आप इस प्रकार से चीज़ सब कुछ बताऊंगा मैं, हर चीज़ को, इसकी गाइडेंस, हर चीज़ की प्रिपरेशन के लिए बारे में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उत्तर प्रदेश PCS हम 1 से 2 महीने के अंदर अचीव करने की कोशिश करेंगे कि हर उस तक पहुँचे चीज़ें कि जो इसके बारे में प्रिपरेशन करना चाहता है और उसके बारे में जानना चाहता है। तो आप पूरी तरह से अब तैयार हो जाएं और हमें व्हाट्सअप कर दें। अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं तब रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो और बाकी मेरी टीम के बारे में आपको पता ही है कि हमारी पूरी टीम
और बाकी चीज़ें के लिए पुरानी जो वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ लेक्चर बता दिया है। उस पुरानी वीडियो को भी देखिए UPSSC के बारे में जो है, उसको आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो दोस्तों आप तैयारी शुरू कर दीजिए, अब जो भी नया सिलेबस आएगा सबसे पहले अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर रखेंगे, मैं तुरंत अपडेशन डालूंगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें डालेगा, ठीक है। क्योंकि 2 साल बाद वैकेंसी निकलती है इसकी, 2 साल से 3 साल, क्योंकि 2017 में निकली, 2000 अब सीधे 19 में निकली है, तो मतलब बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए क्रिक करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में यही कहूँगा, इसको सेव कर लीजिए 7827282111 पर, इस नंबर पे आप सेव कर लेंगे। और आप किसी प्रकार के मटेरियल, टेस्ट सीरीज या आपको ऑनलाइन कोर्सेज पर कुछ भी लेना है, बहुत सस्ते रेट दाम पर आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा आपके घर पर, आपके मोबाइल में, ताकि आप इसकी तैयारी अच्छे से करते रहें। ओके दोस्तों, जय हिंद।